बुरी खबर, पाकिस्तान पर हमले के बाद दिल्ली में अलर्ट जारी, सुरक्षा एजेंसियां चौंकी। नई दिल्ली, पाकिस्तान पर वायुसेना के हमले के बाद देश के कई महत्वपूर्ण शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कई बड़े हवाई अड्डों को भी अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि तड़के सुबह वायुसेना के हवाई हमले में पाकिस्तान से आतंकियों के कई ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं, जिसके बाद ये एहतियातन कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशनों तक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलर्ट जारी होते ही दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है और जगह जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी है अलर्ट पर। वायुसेना को अपने सभी एयर डिफेंस सिस्टमों को अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों और LOC पर हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स कोई भी कार्रवाई करती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद जहां पूरे देश में गुस्से का माहौल था, वही सोमवार देर रात करीब 3:30 बजे भारत की ओर से DOK में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई। इस मामले में बताया जा रहा है कि मिराज 2000 के माध्यम से आतंकी ठिकानों पर एक्शन लिया गया है। सैकड़ों आतंकवादियों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। वही बताया जा रहा है कि इस हमले में 300 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। पूर्व विंग कमांडर और रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी, इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से की जा रही ओछी हरकत को देखते हुए भारत पर बेहद दबाव था, जिसके बाद राजनीतिक फैसला उठाया गया है। तो MS न्यूज़ की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MS इंडिया डाउनलोड करें और हमारी न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।